आप देख रहे हैं केवल सच। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पोखाली थाना परिसर में आगामी त्योहार को मद्देनजर थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार मिश्रा ने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर अमर्यादित भाषण और चुनाव को लेकर आपस में किसी भी बहसबाजी से दूर रहने को कहा गया। आचार संहिता लागू है, इसमें किसी भी तरह के राजनीतिक विवाद से बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ डीजे बजाने को लेकर कहा कि डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध, इसका भी ख्याल रखा जाए, नहीं तो डीजे बजाने वाला पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में पोखाली पुलिस लाल मोहन यादव, पार्षद प्रतिनिधि अहमद खुशे शामिल थे। सेंसिटिव है, इसमें एक छोटी छोटी बात को लेकर के विवाद होने की संभावना ज्यादा रहती है। मान लीजिए इलेक्शन नहीं रहता तो उतना ज्यादा नहीं रहता, जो भी आदमी है किसी न किसी पार्टी से और चाहे किसी न किसी विचार से प्रभावित रहता है और उसके दिमाग में लगता है कि हमारा ये सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, तो दूसरे की हमारे मन में जो है तो वो हमारे लिए है, और जो दूसरे आदमी के मन में है उसका हमको सम्मान करना, उसको ये नहीं कि हम अगर वो कुछ कर रहा है तो उसका अपोज करें, चाहे रिप्लाई देखें फिर भी व्हाट्सअप पे ग्रुप में एक आदमी किसी का सपोर्ट करता है तो दूसरा आदमी उसका अपोज करता है, अपोज भी मतलब कभी कभी इसी बात में होते 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 वो काफी सीरियस पे चलता होता है। उस तरह का कोई भी है वो तो एक रिकॉर्ड है, आप उसको डिफ्ला नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमने ऐसा नहीं कहा। अगर हम आपसे यहाँ पे बैठ कर किसी को बोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं, बाद में हम कह सकते हैं कि हमने नहीं बोला, लेकिन अब वो समय नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ भी चाहे सोशल मीडिया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलते हैं तो आपका रिकॉर्ड है, सबके पास जाता है, आपके नंबर से भेजा गया है, अगर फेसबुक पे है तो आपकी आईडी से भेजा गया है। इन काफी आज के समय में काफी सतर्क रहने की जरूरत है कि हम जो बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं और सामने वाला भी क्या बोल रहा है, इस पर का ध्यान रखना, सबको रहना तो यही है। इलेक्शन आया है, इलेक्शन फिर चला जाएगा, तो आपस में आपसी सद्भाव बना रहना चाहिए। मदद करने के लिए आपको चाहे कभी भी कोई दिक्कत होगा जरूरत होगा तो जो यहाँ के लोग हैं वही आपके साथ हैं, हो सकता है उनकी विचारधारा अलग हो, वो किसी दूसरे दल को पसंद करते हैं, वो आप किसी और, लेकिन एक जो भाईचारा है वो उन्हीं के साथ है जो यहाँ के हैं, वो बना रहना चाहिए। और किसी के लिए आगे जो त्योहार त्योहार में भी रामनवमी 17 को और तो और पब्लिक के लिए होगा। कितना आदमी कितना रहता है देख लीजिएगा, उसमें डीजे में तो कहाँ से कहाँ जाता है? काफी लंबा दूरी हो जाएगा। अभी यहाँ रामनवमी में तो हम जुलूस यहाँ